दोस्तों मसाला भी भूंज लिए दोस्तों, देखिए क्या मस्त अच्छा से भूंज लिए। अभी थोड़ा झोल के लिए पानी दे देंगे। कुकर वाले को आप सभी को प्यार भरे नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सब अच्छे ही होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम व्यस्त होंगे। दोस्तों आज भी मौसम चेंज कर दिया है दोस्तों, बदल बदल किया है, बारिश होना क्या पता नहीं। काले में कंप्लीट किए हैं, आज ही एकदम बादल आ गया। इधर का मौसम में कैसे लग रहा है, अभी बादल बादल किया है, बहुत खराब लग रहा है। आज पूजा वूजा तक कुछ है ही नहीं, तो बारिश होती रहती है हमेशा, खुद अस्टेप लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, इतना बादल बादल किया है। कैसे लग रहा है, एकदम पत्ता सब पूरा एकदम जमा हो गया है, झड़ आया था इतना जमा हो गया पत्ता सब, देख रहे हैं ना, इतना गिरा है एकदम पूरा गिरा है, देखिए जबरदस्त। कल का आंधी तूफान आया था और आज को भी ऐसे ही लग रहा है, आज को भी आएगा है शायद, ऐसे लग रहा है आंधी तूफान होगा। खाना को भी चढ़ा दिया है दोस्तों, देखते हैं खाना हुआ कि नहीं। नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा और थोड़ा सा उबालने देंगे, इसके बाद ही उतारेंगे। आलू को भी निकाल दिया है, सीजने के लिए दिया था, चावल के साथ ही डाल दिया था, ये भी सीज गया। ठीक है, कितना अच्छा सीजा है, इसको भी छू लेंगे, इसका चोखा को भी हटा देंगे। आज को आलू और टमाटर का झोल बनाएंगे दोस्तों। खाना को 5-10 मिनट अभी उबालने देंगे, इसके बाद ही उसको माट को निकालेंगे, इसके बाद तब तक आलू का छिलका को हटा देते हैं। अभी तब तक आलू का छिलका को भी हटा रहे हैं दोस्तों, चावल अभी देरी है, नहीं हुआ है, इसका छिलका को भी हटा दो, इधर भी कम हो जाएगा मेरा। सब्जी चढ़ा देंगे जल्दी, आलू का छिलका भी हटा ले दोस्तों, एक ठो बचा हुआ इसको भी हटा, इसका भी हटा लेते हैं। हाँ दोस्तों हो गया मेरा छिलका भी हटा ले, खाना भी हो गया होगा शायद दोस्तों। खाना को भी देखते हैं, 10-5 मिनट हो गया। हाँ दोस्तों हो गया चावल, इसको माड़ को भी निकाल देते हैं, एक साइड हमारे को निकल रहे हैं, आपको निकाल लिया दोस्तों। थोड़ा सा उला चूल्हा में चढ़ा देते हैं दोस्तों, कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, गर्म हो जाएगा, 5-10 मिनट छोड़ देते हैं, तब तक इसको काटते हैं आलू टमाटर को। बड़ा बड़ा पीस बनाएंगे, फटाफट कर काट लेते हैं। क्या मस्त कटा था है, सिझा लो। ठीक है दोस्तों मैं काट लेता हूँ, आलू टमाटर को काट लिए दोस्तों। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया मेरा, तो तेल को डालते हैं। तेल गर्म हो गया दोस्तों, मिर्चाई को डाल रहे हैं दोस्तों, मिर्चाई लाल हो गया दोस्तों, सब्जी को डाल रहे हैं। ढक देते हैं दोस्तों, ढक्कन को खोल के देखते हैं भूजा कि नहीं। हाँ दोस्तों पूरा अच्छा से भूज आया, थोड़ा सा नमक लगा देते हैं। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं खा पाएंगे नहीं तो,
नमक में अच्छा से चल मिला देते हैं चला के। नमक को भूनने के लिए 5-10 मिनट छोड़ देते हैं ढक्कन को लगा के। ढक्कन को खोल के देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों भून गए, नमक को भी अच्छा से भून लिया। अभी मसाला सबको डाल रहे हैं, हल्दी भी। हल्का सा हल्दी लगा दे रहे हैं, एक नंबर हल्दी है, इसको ज़्यादा लगाने से नहीं खा पाओगे, पूरा मापता है। मसाला सबको अच्छा से भून लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा झोल के लिए पानी देंगे, ज़्यादा नहीं झोल बनाएंगे, हल्का सा ही बनाएंगे। इसको भूंज लेते हैं दोस्तों। मसाला भी भूंज लिया दोस्तों, देखिए क्या मस्त अच्छा से भूंज लिए। अभी थोड़ा झोल के लिए पानी दे देंगे और थोड़ा सा देंगे, एक बार में दे देंगे। हाँ तो इतना ही देंगे, इस सबको डुबा देते हैं। ढक्कन को लगा देते हैं, अपने आप उबल जाएगा दोस्तों। ढक्कन को खोल के देखते हैं, पूरा गर्म है दोस्तों। हाँ दोस्तों हो गया, थोड़ा सा झोल भी रहने देंगे, ये तो नहीं खा पाएंगे ना। इसको उतार रहे हैं, दोस्तों सारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगा देते हैं, इस सब गर्दा हो गया है, यहाँ काटे हैं सब्जी, सबको सब कर देते हैं, सब कर दिया दोस्तों झाड़ू लगा के। सारा कुछ कंप्लीट हो गया, खाना बना लिए तो खाना खा रहे हैं दोस्तों। चावल है और आलू टमाटर का सब्जी, क्या मस्त बनाए आज को। दोस्तों खाना खा लिया दोस्तों, आलू टमाटर का सब्जी था, बहुत टेस्टी बनाए थे। और ब्लॉग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले ब्लॉग को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।